बस एक शख्स मेरे दिल की जिद है, ना उस जैसा कोई चाहिए, ना उसके सिवा कोई चाहिए, बस वही चाहिए। सो हे गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द अनदर क्रिएटिव वीडियो। इन दिस वीडियो गाइज, आई गोना शो यू हाउ टू एड स्काई इफेक्ट इन वीडियो ऑन कैपकट एप्लीकेशन। आप लोग किस तरीके से कैपकट एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप का स्काई इफेक्ट डाल सकते हो जस्ट वन क्लिक के अंदर। सो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है, तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए एंड चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ 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 डू माई चैनल सब्सक्राइब, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना एंड चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर एंड स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आने के बाद में तुम्हें सिंपल से क्या करना है भाई, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आप लोग को कोई भी VPN डाउनलोड कर लेना है, कोई भी VPN, एनी वन, जो कोई भी आपको बेस्ट लगे, अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें सिंपल से क्या करना है भाई, VPN को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। VPN को कनेक्ट करने के बाद में तुम्हें पता है कि भाई कैपकट एप्लीकेशन बैन है इंडिया के अंदर, तो VPN से यूज़ किया जा सकता है लेकिन, ठीक है। तो कैपकट एप्लीकेशन को इस तरीके से भाई यहाँ पर VPN को जो कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, एंड कैपकट एप्लीकेशन को आप लोग को ओपन कर लेना है। तो एक दो ऐड आएगा भाई, इनको ऐड को हटा देना है, ठीक है, एंड जस्ट इस तरीके से करने के बाद में तुम्हें सिंपल से यहाँ से कैंसिल पर क्लिक कर देना है एंड इस तरीके से VPN को कनेक्ट कर लेना है। VPN को कनेक्ट करने के बाद में भाई सिंपल से बैक आना है एंड यहाँ पर तुम्हें चले जाना है कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। कैपकट एप्लीकेशन को तुम लोग गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद में तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, एंड यहाँ से तुम्हें गाइज अपनी वीडियो को सिंपल इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, जो भी वीडियो जिसमें आप लोग स्काई चेंज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फाइंड कर लेता हूँ आपको ट्यूटोरियल दिखाने के लिए, ठीक है, एंड आप लोग को यहाँ पर अपनी वीडियो को सिंपल इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। वीडियो इंपोर्ट होने के बाद में कुछ प्रोसेसिंग लेने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद में तो सिंपल से क्या करना है, ये जो लास्ट में आपका एंडिंग दिखेगा इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद में तुम्हें सिंपल से भाई डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे जो स्काई चेंज वीडियोज़ होते हैं, ठीक है, स्काई जिनमें स्काई चलता है या फिर कुछ भी होता है, ठीक है, उनका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, बहुत सारे वीडियोस है, ठीक है, जाओ जाके देख लो, ठीक है। देन उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर सिंपल से इधर ओवरले का ऑप्शन दिखेगा फिफ्थ नंबर के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोग को यहाँ पर उन वीडियोज़ को जो भी आपने डाउनलोड किया है स्काई चेंज वाला, ठीक है, तो आप लोग को स्काई इफेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है जो कोई भी आपको बेस्ट लगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर एग्जांपल आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये वाला स्काई डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला स्काई डालने के बाद में सिंपल से गाइस यहाँ पर आना है जहाँ तक आपका वीडियो है, ठीक है, ड्यूरेशन है, वहां पर आप लोग को आ जाना है एंड स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहां से सिंपल से जो आपका लास्ट का फालतू का पार्ट है इसको यहां पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में तो सिंपल से क्या करना है भाई, आपका जो स्काई वाला वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसको दोनों फिंगर्स की हेल्प से इस तरीके से गाइस बड़ा करना है, ठीक है, एंड बड़ा करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इस तरीके से इसको लगा देने के बाद में तुम्हें सिंपल से गाइस इधर स्क्रॉल करना है राइट साइड में एंड आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है मास्क वाला, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में तुम्हें सिंपल से गाइस यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। स्प्लिट का ऑप्शन पर क्लिक करते गाइस इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, तो उसके बाद में तुम्हें सिंपल से इस तरीके से नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है एंड ये जो आपका एरो है इसको ऐसे नीचे की साइड में स्क्रॉल कर देना है कुछ इस टाइप से एंड इसको स्क्रॉल करने के बाद में तुम्हें यहाँ पर सिंपल से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है गाइस स्प्लाइस का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है स्प्लाइस के। देन आप लोग को यहाँ से डार्कन को चूज़ कर लेना है एंड डार्कन को चूज़ करने के बाद में राइट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपका इसका इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइस, इस टाइप का हमारा वीडियो बन जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑडियो को म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि भाई चैनल के ऊपर कॉपीराइट ना पड़े, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ किस टाइप का वीडियो बनाया, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, ठीक है। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो यार काफ़ी अमेजिंग गाइस यहाँ पर हमारा स्काई इफेक्ट लग चुका है हमारी वीडियो के अंदर। तो मैं यहाँ पर तुम्हें गाइस देख सकते हो, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग को मैं और सारे जितने भी स्काई इफेक्ट्स हैं मेरे पास सभी के सभी ऐड करके दिखा देता हूँ वीडियो के एंड में। तो गाइस अभी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस सभी वीडियो जो है एक साथ प्ले हो रही है एंड सभी वीडियो के अंदर अलग अलग स्काई इफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस तुम लोग कैपकट एप्लीकेशन के अंदर स्काई इफेक्ट डाल सकते हो। अब गाइस इस वीडियो को आप लोग को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है गाइस, यहाँ पर आप लोग को ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा एरो वाला, ठीक है, तो उसके बराबर में आप लोग को यहाँ पर क्वालिटी वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का 1080p लिखा रहा होगा, तो यहाँ से आप लोग उसको 4K भी कर सकते हो या फिर इसके FPS को 60 भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें यहाँ से सेटिंग्स करने के बाद में यहाँ पर आप लोग को एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से तुम लोग कैपकट एप्लीकेशन की मदद से किसी भी वीडियो के अंदर स्काई इफेक्ट डाल सकते हो एंड जस्ट वन क्लिक के अंदर। सो होप करता हूँ गाइस यार आप लोग को यार ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और भाई अगर वीडियो बिल्कुल भी यार इतनी सी भी अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है एंड मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सो चलता हूँ गाइस अगली वीडियो में फिर मिलूंगा यार, तब तक के लिए टाटा।